हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10 का द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़े हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए थे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखे हुए थे कि जितने मोस्टली सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है सभी क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसमें एक मेटल है ना, किसी एक मेटल को ही डिस्प्लेस करता है और नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करता है ना। तो मेटल मेटल को करता है, इसलिए हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं हम लोग, है ना बच्चों। इसमें कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखे हुए थे, है ना। तो जो एग्जांपल देखे हुए थे उसके बाद वाले एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं, तो फिर आगे लेक्चर की शुरुआत करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग सिर्फ देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी डिस्प्लेस होगा मेटल करेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स करेगा। इसको करेगा लेस रिएक्टिव मेटल इन देयर साल्ट, जो भी साल्ट सॉल्यूशन होगा उस लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, है ना। यही आपका फॉर्मूला है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक बीकर लिया जाए, बीकर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, कॉपर सल्फेट डाल दें और इसमें क्या करेंगे, कुछ जिंक के टुकड़े को डाल देते हैं। क्या डालेंगे इसे बच्चों, जिंक डालेंगे। देखेंगे कुछ देर के बाद कि यह जो कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू होता है, कलर के साथ बच्चों कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है, वह ब्लू कॉपर सल्फेट क्या करता है, धीरे धीरे उसके जो कलर होते हैं चेंज हो जाता है, यानी जो ब्लू कलर होता है धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है? तो यह जो जिंक होता है बच्चों, ये कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और पूरे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। और उसी टाइम ये जो कॉपर होगा, कॉपर का यहाँ जो डिस्प्लेस होगा है ना, वह उसके बॉटम में है ना, यह जो नीचे है ना, इससे मान लो कि मैंने जिंक को डाला, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ZL है ना, इसको बच्चों समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, प्लस CuSO4 ऐसे समझिए, क्या होगा बच्चों यहाँ पर, प्लस माइनस, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनाएगा बच्चों, ZnSO4, साथ में क्या होगा, कॉपर होगा। तो ZnSO4 बना बच्चों, जिससे कहा इसका जो कलर हुआ ब्लू कलर धीरे धीरे क्या होगा, कलरलेस हो गया। और बटन में रेडिश ब्राउन कलर बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर, रेडिश ब्राउन कलर का एक क्या होता है, नीचे डिपोजिट हो जाता है, यानी इसे सेटल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेटल डाउन होता है। क्या होता है भाई, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, यानी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। और जो कॉपर डिस्प्लेस होता है, वह कॉपर क्या होता है, इस बीकर में नीचे पेदी में क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, ग्रेजुअली क्या होगा, फेड हो जाएगा, ग्रेजुअली फेड एंड सून द सॉल्यूशन, सून द सॉल्यूशन क्या होगा, बिकम कलरलेस हो जाएगा, या क्या होगा, कलरलेस होगा। एट द सेम टाइम, देखो बच्चों यहां पर, एट द सम टाइम रेडिश ब्राउन किसका, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर, जब रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स लिख देंगे बच्चों, रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ इसका बच्चों, कॉपर का क्या होगा बच्चों, सेटल डाउन
क्या सेटल डाउन इन द बीकर, इन द बीकर है ना। अच्छा जैसे मैंने जिंक को डाला, जिंक क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से कॉपर को क्या कलर डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर को डिस्प्लेस करने के साथ क्या ये जिंक सल्फेट बनाएगा, जिसके कारण से कलर क्या होगा खत्म होगा, ब्लू कलर जो होगा समाप्त हो जाएगा है ना। और कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, और उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। यह जो रिएक्शन होते हैं बच्चे, इसी को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर, इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे देखते हैं हम। ये सिर्फ समझना है कैसे कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। इसके पहले भी और एक कॉमन एग्जांपल था कॉपर सल्फेट के साथ, किसका था, आयरन का, आयरन का देखा था बच्चों, इसके पहले पढ़े हुए थे हम लोग। चलो इसको देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन है ना। इसके पहले हम लोग देखे हुए थे बच्चों, ठीक है ना, जो डाउन हुआ था कौन सा कलर, आयरन का है ना। जैसे कि बीकर ले लिया बच्चों, बीकर में हम क्या डालेंगे, वही कॉपर सल, कॉपर सल कहते ना बच्चों, इसमें कि क्या डालेंगे, कुछ आयरन के टुकड़े डालेंगे, आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल डाल दिया, सोचो आयरन नेल डाल दिया मैंने। कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर होगा किसका, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होगा चेंज हो जाएगा, और लाइट ग्रीनिश, ग्रीनिश ग्रीनिश कलर क्या होगा चेंज हो जाएगा है ना। कैसे चेंज होता है छोटे यहाँ पे देखेंगे, जब आयरन के नेल को लेंगे, इसके पहले इसको देख चुके हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल को देख चुके हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, मेटल नॉन मेटल है ना, क्या होगा यहाँ पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, इसके अंदर आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण उसका कलर क्या होगा ब्लू से हल्के से लाइट ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, और साथ में इस आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कॉपर क्या होगा डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, और यह कैसा होगा रेडिश ब्राउन, कैसा होगा रेडिश ब्राउन। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं बच्चों है ना, उसी को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग देखेंगे फिर, और इसको नोट करते जाइए है ना, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम देखेंगे, लेक्चर देखेंगे बच्चों, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको देखे हुए। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि जब जिंक को हम लोग कहाँ डालेंगे बच्चों, ZN को कहाँ डालें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्या बना बच्चों यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना। देखो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या किया डिस्प्लेस किया है ना, और क्या यहाँ करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो प्रॉब्लम होगा बच्चों, किसी भी लिक्विड से अगर हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, वह जो कंडीशन होते हैं बच्चों हम लोग देखें, वह जो कंडीशन होता है उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इफरवेसेंस कहते हैं है ना, इफर बेसेंस कहता है। किसी भी लिक्विड से, किसी भी लिक्विड से बबल, बबल है ना, कि गैस है ना, बबल के रूप में क्या होगा गैस प्रोड्यूस होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, तो उस प्रकार के जो कंडीशन होते हैं उसी को इफर बेसेंस कहते हैं। इसे बबल्स के रूप में क्या आएगा हाइड्रोजन गैस आएगा, इसको भी हम बच्चों देख चुके हैं ठीक है ना। तो ये सब जो होता है वो सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और भी देखते हैं बच्चों कुछ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम लोग कटायन रिप्लेसमेंट की बात की है ना, है ना, इसमें कुछ ऐसे बताए मेटल मेटल कर है, इसमें अभी जो हम लोग भी देखे इसे सिर्फ मेटल मेटल को रिप्लेस कर रहा है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लगते हैं कि वैसे रिएक्शन इसमें एक हाईली हाईली नॉन मेटल इसी लेस है ना नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे कि देखा जाए तो ऐसे जो रिप्लेसमेंट होता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं एनायन,
एनायन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन की मतलब हुआ कि सिर्फ नॉन मेटल, नॉन मेटल को क्या करेगा बच्चों, रिप्लेस करेगा। तो इन दिस रिएक्शन वन, इन दिस रिएक्शन ध्यान दो बच्चों, इन दिस रिएक्शन वन एनायन रिप्लेस, ध्यान बच्चों, इन दिस रिएक्शन वन एनायन रिप्लेस करेगा किसको, अनदर वन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। दिखाई दे रहा है बच्चों, इट्स सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन से अगर कोई एक एनायन, एनायन की बात हम लोग करेंगे तो निगेटिव है ना, वो क्या करेगा, निगेटिव नॉन मेटल, इस दूसरे अनदर वन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दूसरे अनदर क्या रिप्लेस कर रहा है, तो उसे हम लोग एनायन रिप्लेसमेंट कहता है। और देखो बच्चों, एनायन इज ए निगेटिवली आयंस, क्या होता है बच्चों, वह निगेटिवली आयंस होता है, यानी निगेटिवली चार्ज आयंस कह सकते हैं, या सिंपल सी बात कहेंगे बच्चों नॉन मेटल कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन मेटल का है। इसमें क्या होगा बच्चों, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा, जो अधिक रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो नोट पे डाल देते हैं बच्चों, मोर रिएक्टिव है ना, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स क्या होगा, हैलोजन लिख देंगे भाई, हैलोजन है, जिसमें भी मोर रिएक्टिव जो रिप्लेस नॉन मेटल होगा क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको भाई, तो लेस रिएक्टिव हैलोजन को, नॉन मेटल कहाँ से बच्चों, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ध्यान देना बच्चों, इसी सॉल्यूशन से है ना, कोई भी नॉन मेटल्स किसी दूसरे नॉन मेटल्स को, कैसा नॉन मेटल, हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स किसी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर रहा है, इस प्रकार के जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों, इसको नोट कर लो, तो फिर जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन देखते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा, ये क्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है किससे बच्चों, बोरिन से है, तो ये क्या करेगा इसके साथ डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर NaCl बनाएगा, और क्या होगा यह ब्रोमीन गैस बनेगा, तो यह जो बनेगा क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमीन गैस बनेगा, यहाँ पर देखो ये हाईली रिएक्टिव है वहाँ पे, ठीक है ना, और यह क्या है लेस रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक एनायन किसी दूसरे एनायन को, ध्यान दो बच्चों, एक निगेटिव किसी दुगने दूसरे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को लोग एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन बिया कैसा होता है बच्चों, ये गैस के फॉर्म में होगा, इसके साथ बनेगा पोटासियम आयोडाइड होगा बच्चों, तो क्या करेगा, ब्रोमीन आयोडाइड से क्या है, आयोडीन से क्या है बच्चों, हाईली रिएक्टिव है, तो क्या बनाएगा, KBr होगा, इसको डिस्प्लेस करेगा बच्चों आयोडीन क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेस हो गया। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं बच्चों उसी को हम लोग एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहता है ना। तो देख लो बच्चों, इसमें देखा गया कि ब्रोमीन से कौन सा होगा, क्लोरीन हो गया, यहाँ पर आयोडीन से कौन सा होगा, क्या चला गया,
आयोडीन से ब्रोमीन हो गया आप और भी देख सकते हैं। जैसे पोटासियम आयोडाइड की बात करें किससे होगा भाई, क्लोरीन करेगा यहाँ पे, सीधे से रूप में क्या बनेगा बच्चों, KCl बनेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर। देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एनायन यानी एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, और जो पोटासियम क्लोराइड होता है बच्चों इसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर। पर्पल कलर क्या करता है, चेंज कर देता है बच्चों। ये टाइप के रिएक्शन होते हैं बच्चों, उसी को लोग एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन किसका टाइप से बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बच्चों, है ना। बस आज भर यही, चैनल को देखते रहिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, आई बटन को क्लिक करके जो भी लेक्चर होगा उसको आप देख सकते हैं ना। और जो भी आपका सुझाव होगा ठीक है ना, जो भी आपको परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा बच्चों, है ना। अगले बार कुछ हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बच्चों। आज भर के लिए यहीं पर, ओके बाय।